हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अमिष्का रियल लाइफ ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जैसे कि देख सकते हैं आप सभी लोग, अभी बज रहा है 11:30, दोपहर का समय है। दोपहर नहीं बोल सकते हैं क्योंकि 11:30 ही बज रहा है। और खाना की तैयारी हम जल्दी इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि आरव अभी आएगा स्कूल से, और वो पहले ही बोल चुका था कि मेरे आने से पहले खाना तैयार होना चाहिए। पर वो तो देखेगा चिकन बन रहा है, और पहले बोल चुका था पापा को कि चिकन हमको खाना है, और पापा उसके लिए चिकन लाए हैं, और तो बहुत खुश हो जाएगा देखेगा। तो वो अभी कुछ ही देर में वो पहुंचने वाला होगा क्योंकि 11:30 बजे छुट्टी होता है, और 10 से 15 मिनट के बीच में वो स्कूल से आ जाता है क्योंकि उसका सामने है स्कूल, और वो चल के ही आता है, साइकिल से जाता है, साइकिल से आता है। और तो उसी का हम तैयारी कर रहे हैं, तो कर लेते हैं तैयारी क्योंकि चावल इधर चढ़ा हुआ है मेरा गैस के ऊपर, चावल भी हो ही रहा है, वो भी थोड़ी देर में हो जाएगा। चावल बहुत जल्दी बन जाता है मेरा चावल, यही लगता है 15 मिनट में मेरा चावल तैयार हो जाएगा। और इधर चिकन भी हम बड़े अच्छे से धो धा लिए हैं, और एक एक करके प्याज काट लेते हैं क्योंकि इसके पापा माई हस्बैंड जी जो हैं वो बोले हैं कि हमको मसाला चिकन खाना है, और वो जैसे जैसे बोले हैं वैसे वैसे हम बना रहे हैं, उनसे बातें भी कर रहे हैं हम। उनका ड्यूटी है 2 बजे से, तो सोचे जल्दी से बना लेते हैं चिकन। थोड़ा टाइम तो लगता है बनाने में, दाल चावल थोड़ी एक एक साइड चढ़ा दो, एक साइड दाल चढ़ा दो, एक साइड चावल चढ़ा दो तो झटपट बन जाए। तो चिकन में क्या होता है, थोड़ा अच्छा से बढ़िया से प्यार से भूनना पड़ता है उसको, तभी तो टेस्ट होता है, चिकन बनता है, क्योंकि महंगा भी तो आता है, ऐसे थोड़ी है, दाल चावल नहीं है कि आदमी खाए इतना महंगा चीज़, तो थोड़ा बढ़िया से खाए और टेस्टी खाए। तो वही हम कर रहे हैं जैसे वो बोले थे कि वैसे वैसे बनाना। एक्चुअली में क्या है कि यहाँ पर हम लोग के थोड़े से दूरी में एक ढाबा है, वो ढाबा में चिकन देने से कुछ पैसा लेते हैं वो, और बहुत ही टेस्टी बना देते हैं। हम खा चुके हैं वहाँ का ढाबा, 1 kg चिकन का पता नहीं कितना लेते हैं वो, हमको नहीं मालूम है, यही जानते होंगे, पर उनका हाथ का चिकन हम खा चुके थे पहले, और वो देखते हैं कैसे कैसे क्या क्या कैसे कैसे बनाते हैं, तो उसी टाइप में हमको वो बोल रहे हैं कि आप इसी तरह बनाना है। तो आधा चिकन आधा प्याज को हम क्या करेंगे, काट करके डालेंगे, आधा प्याज को क्या करेंगे हम पीस के डालेंगे। तो इसी तरीके से हम तो इधर प्याज भी कटिंग हो रहा है, और हमको बनाना है इसको मसाला को पहले फ्राई करके बनाना है। तो तेल भी हो गया था तो प्याज भी हम इसमें डाल दिए, और 1 बड़ा टमाटर और 2 लहसुन का कलियां क्योंकि पसंद आता है दोनों बाप बेटा का, उसी में खाते हैं वो चिकन के साथ, इनको इन दोनों को बहुत अच्छा लगता है। और इधर पीसा हुआ लहसुन, और हम इसका देखिए मेरे पाँव के नीचे बैठ गई है, और ले करके बैठी कढ़ाई, एक ठो कढ़ाई में ली है, उसमें प्याज है, आलू है, और देखो छुलनी ले करके चला आ रही है पूरा। अच्छा देखिए बड़ा मस्त उसको ध्यान बैठा दिए, आराम से हमको काम करने दे, खाना बनाने दे। इधर सूखा मसाला भी हम सब निकाल लेते हैं, फिर इसको निकाल के आराम से रख देंगे ताकि इसमें चिकन उकन में इसमें पड़े ना। और चावल भी थोड़ी देर में हो जाएगा मेरा, चावल भी इधर चढ़ा हुआ है। इधर अमिष्का भी मेरे को परेशान करती है, वो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि किचन में खाना बनाओ और ये आए ना, और ये हमको परेशान करे ना।
और अरब भी आ चुका था स्कूल से, और वो बोल ही रहा था कि मम्मा चिकन बना कि नहीं बना। बोले बस बेटा थोड़ी देर में एकदम चिकन रेडी हो जाएगा, खाने के लिए एकदम तैयार है वो लड़का। और तब इधर पिसा हुआ प्याज दे रहे हैं, और ये पूरा पीसे नहीं है, दरदरा पिसा हुआ है, क्योंकि पूरा पिसा हुआ महीन वाला अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा दरदरा रहता है तो ज़्यादा अच्छा रहता है। उसके बाद इसको हम अच्छे से भूनेंगे, उसके बाद हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। अभी भूनने के बाद इसको भून के पूरा तरह से अच्छे से दम लगा के भूनना है। तब इसमें एक मसाला जा रहा है, सूखा मसाला, और चावल भी एकदम रेडी हो गया था। अब इसको हम अच्छे से पसा लेते हैं। दम लगा के भूज रहे हैं पूरे अच्छे से, क्योंकि क्या होता है टेस्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि महंगा जो आता है, इतना सारा महंगा आता है चिकन। और लहसुन भी देख रहे, इधर लहसुन भी ख़त्म हो गया है मेरा। अब लहसुन अच्छे से पीस करके उसको रख देंगे स्टोर करके, कम से कम सप्ताह भर चल जाता है। इधर हम डाल दिए हैं चिकन मसाला, और चिकन मसाला पहले डाले हैं, उसके बाद थोड़ा सा और ऐड करेंगे हम, जब वो निकालेंगे हो जाएगा तैयार हो जाएगा, उसके बाद थोड़ा सा डाल करके उसको निकाल देंगे। चिकन मसाला क्या होता है, टेस्ट अच्छा आता है। अब बारी आई है चिकन डालने का, ये भी सोच रहा है कि मेरा बारी अब कब आएगा कब आएगा, तो आ ही गया। अब इसको भी हम डाल ही दिए। अब इसको भी अच्छे से भूनेंगे। चिकन बनाने में काफ़ी समय लगता है, इसी वजह से हम पहले से तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वरना इनको 2 बजे से जाना है ड्यूटी। और अरब भी उधर में हमको बोल रहा था कब बनेगा कब बनेगा, बार बार उधर से वो बोल ही रहा था हमको। और इधर मेरे बिटिया परेशान कर रही थी, एक बोतल में पानी मांग रही थी कि हमको पीना है दे दो, और वो पी नहीं रही थी। एक्चुअली मैं मुँह में ले के कुल्ला कुल्ला कर रही थी, फुचुक रही थी बोलते तो, और वो दीवार में फुचुक रही थी, और बार बार आ रही थी मांगने के लिए मेरे से। तो देखिए इतना मतलब अच्छा कलर आ रहा है इस पर, सारा मसाला भुनाने के बाद इस तरीके से ये नज़ारा आ रहा है, कुछ गजब टाइप में लालची आ रहा है मेरे को ऊपर, क्या बोलें। कोई बात नहीं, नहीं बोलेंगे बार बार, और ना आप लोग बोलिए कितना लालची कर रही। हाँ जी, चिकन बना आती नहीं? बस कुछ ही देरी में चिकन बन जाएगा, अभी चढ़ा हुआ है, और पानी डाल देंगे निकाल के, लीजिएगा। चलो थैंक यू, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे आप बोले थे वैसे ही बना है, और टेस्ट में भी बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन टेस्ट तो करना पड़ेगा आप ही को। क्या है पैसा? और इधर हम निकाल रहे हैं अरब के लिए भुजा हुआ, उसको खाने का मन कर रहा था, तो वही बोला थोड़ा मम्मा निकाल देना, तो ठीक है हम निकाल रहे हैं। और इस वीडियो को हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, और हम लोग अपना खाना को इन्जॉय करते हैं। और ठीक है, बाय बाय, अपना अच्छा वाला प्यारा वाला ख्याल ज़रूर रखिएगा।